नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले दिनों क्रूज पर की छापेमारी कार्रवाई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद आर्यन खान को हिरासत में रखा गया और आखिरकार आर्यन खान को आज जमानत मिल गई। लेकिन आर्यन खान को जिन 14 शर्तों पर जमानत मिली है, आइए जानते हैं वो 14 शर्तें क्या हैं। कोर्ट ने पहली शर्त रखी है, आर्यन खान और दो सह आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेजा को 1,00,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा, साथ ही कम से कम एक या एक से ज्यादा जमानती देने होंगे। साथ ही दूसरी शर्त कोर्ट ने ये रखी कि कोर्ट के मुताबिक अभियुक्त को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि वो इस तरह के किसी मामले में दोबारा शामिल ना हो, जिसके आधार पर उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई। साथ ही कोर्ट ने दूसरे आरोपी या व्यक्ति से संपर्क या बातचीत नहीं करने का भी कहा है। वहीं चौथी शर्त कोर्ट ने ये रखी कि आरोपी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कोर्ट की कार्यवाही या आदेशों पर विपरीत असर डालता हो। कोर्ट के द्वारा यह पांचवी शर्त रखी गई कि अभियुक्त सीधे या किसी के जरिए गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। छठी शर्त के तहत सभी अभियुक्तों को अपना पासपोर्ट स्पेशल कोर्ट में जमा करना होगा। तो वहीं सातवीं शर्त में उल्लेख है कि इस केस को लेकर अभियुक्त मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। साथ ही आठवीं शर्त में कहा गया है कि NDPS कोर्ट की अनुमति के बिना अभियुक्त देश नहीं छोड़ सकते। तो वहीं नवीं शर्त के तहत कोर्ट ने उन्हें कहा है कि मुंबई से बाहर जाने के लिए अभियुक्तियों को जांच अधिकारी को इस संबंध में जानकारी देनी होगी और उन्हें जांच अधिकारी को सभी जरूरत की जानकारी उपलब्ध करानी होगी। साथ ही हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस पर अभियुक्तियों को सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच आना होगा। वहीं कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई जरूरी कारण ना हो, कोर्ट में सुनवाई की हर तारीख पर अभियुक्तियों को उपस्थित होना होगा। अपने 12वें शर्त में कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब केस का ट्रायल शुरू हो जाए तो अभियुक्ति किसी भी तरह ट्रायल में देरी का कारण नहीं बनेंगे। 13वीं शर्त में कोर्ट ने ये कहा कि जब भी जांच के लिए NCB अभियुक्तियों को बुलाएगी, उन्हें उपस्थित होना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारण से अभियुक्त जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें इसके संबंध में जांच अधिकारियों को पहले ही सूचना देनी होगी। 14वीं शर्त में कोर्ट ने कहा है कि यदि आरोपी इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो NCB उसकी जमानत रद्द करने के लिए सीधे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करने का हकदार होगा।